लक्ष्मण के साथ आए राम, राम और लक्ष्मण की जोड़ी आप देख रहे हैं ये जापानगंज क्षेत्र में जिस तरीके से आपस में बातचीत हो रही है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पद के प्रत्याशी लक्ष्मण गुप्ता राम जी गुप्ता से वार्ता कर रहे हैं। राम जी गुप्ता ने भी चुनाव को गंभीरता से लेते हुए लक्ष्मण के मन पर उतर आए हैं। अब लक्ष्मण यानी राम और लक्ष्मण की जोड़ी नगर पालिका क्षेत्र में लक्ष्मण के मंच पर राम भी आ गए। वहीं जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि बर्मेश्वर प्रधान भी लक्ष्मण गुप्ता के मंच पर जमकर दहाड़ रहे हैं। सुनिए वो क्या कह रहे हैं। चुनाव हो रहा है नगर पालिका का, हम लोगों का नेता लक्ष्मण गुप्ता जी प्रत्याशी हैं, जिनका जिनका निशान साइकिल है। तो हम लोग गलियों में घूम रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण जी नेता है, या दुख की बात हो चूक की बात है। इनके कार्यकाल में जो अंधकार अंधकार जो नगर पालिका में अंधकार था प्रकाश कर रहा है, जो नलियों नलियां बढ़ रहा है, इनकी विकास लोग रहा है, और व्यापारी लोग कह रहे हैं कि लक्ष्मण जो वर्तमान में घटना व्यापारी हत्या हुई थी वो लक्ष्मण गुप्ता लोग ज्ञापन दिया था, कप्तान के लिए ज्ञापन दिया था, पूछा कराया था, और सारे बनिया कोट मिल रहा है, बनिया कोट नहीं बढ़ रहा है, इसलिए नहीं बढ़ रहा है कि लक्ष्मण गुप्ता जी नेता है पुरचरमान है, उनका विकास कार्य है, चुनाव जितना कोई बड़ी बात नहीं है, पद को निभाना बड़ी बात है। लक्ष्मण गुप्ता जी जिसमें जिसमें चरमान था अपने कार्यकाल में काम के साथ सबको मान सम्मान दिए और काम करते रहे, वही उनका जो जनता में ऐसा विषय बना हुआ है कि लक्ष्मण जी चरमान बनेंगे तो उनका विकास होगा। और जो है जिस समय वर्तमान में देख रहे हैं पालिका में जो कर्मचारी है समय से तनखा नहीं मिल पा रहा है, जिस समय चरमान लक्ष्मण गुप्ता थे उस समय कर्मचारियों को समय समय पर या ईद की बात हो या होली की बात हो या दिवाली की बात हो समय समय पर तनखा देता था। मैं वार्ड नंबर 1 में मैं कर गया वोट मांगने के लिए मेडिकल नगर में, सारे जनता कह रही थी लक्ष्मण जी को वोट जा रहे हैं, लक्ष्मण जी गरीबों का मसीहा है, लक्ष्मण जी की गाय नहीं देते हैं, सबको मान समझ देते हैं, इसलिए जनता ने मन बना चुकी है कि 11 तारीख को साइकिल बटन दबाएगा, लक्ष्मण गुप्ता को जिताएंगे।